आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में स्ट्रॉबेरी चुंदा। हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का चुंदा, आप इसको चटनी भी बोल सकते हैं। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं कि क्या क्या लगेगा बनाने के लिए। हमने लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, अभी मार्केट में बहुत अच्छी आ रही है, और इसको हमने काट लिया है। तो इस तरीके से इसको हमने काट लिया है, इसका बनाएंगे चुंदा। ये देखिए काफ़ी टेस्टी। और इसमें हमने डाला घी, घी डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। और इसमें हमने डाली लौंग, छोटी इलायची, तेज पत्ता, 3 4 छोटी इलायची, 3 4 लौंग और तेज पत्ता 1 पीस। थोड़ा सा सिकने देंगे, उसके बाद में इसे हम डालेंगे। ये देखिए कश्मीरी मिर्च, और इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी, हल्का सा हल्दी डाला 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये इसमें हमने डाला थोड़ा सा चाट मसाला, और जीरा डाला, जीरा हल्का सा सिकने देंगे, बाद जीरा इसी में सिक जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और पहले डाल देते तो जल जाता। ये देखिए और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये पानी डाला हमने इसमें, पानी डाला इसमें अभी हमने करीब 50 ग्राम, और इसको मसाले को पका लेते हैं, उसके बाद और पानी डालेंगे। ये हमने डाला रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर तीखापन के लिए चाहिए, तीखा होना चाहिए, तो तीखा खाना है तो। और ये हमने डाली स्ट्रॉबेरी कटी हुई, हमने जो पूरी स्ट्रॉबेरी ली थी वो 500 ग्राम ली थी, काटने के बाद साफ करने के बाद में ये करीब 400 ग्राम बची है। ये देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और ये ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगी, इसको ग्रेट करने की या पीसने की ज़रूरत नहीं है। हम पीस देंगे तो बिल्कुल ये चटनी हो जाएगी, चंदा नहीं बचेगा। ये हमने पानी डाला इसमें, इस तरीके से 2 बॉल पानी डाल देंगे, करीब 200 ग्राम पानी डाल देंगे इसमें, और इसको पकने देंगे अच्छे से। शक्कर डालेंगे, ये देखिए शक्कर डाली, खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो 5 टीस्पून शक्कर डाल देंगे, 5 टीस्पून हमने शक्कर डाल दी है। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये लगभग पकने वाला है, इसको हिलाना रेगुलर है। ये देखिए ये पक चुका है, रेडी हो गया है। इस हमने थोड़ा सा काजू डाला, काजू टुकड़ी आप जितना चाहो उतना डाल दें, हमने थोड़ा सा डाला, आप नहीं चाहें तो नहीं भी डालें, कोई बात नहीं है। और थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, खाने में बहुत अच्छी लगेगी, फिर ये जब हल्की सी किशमिश फूल जाएगी इसमें, काजू और किशमिश, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा ये चटनी के लिए, चुंदा के लिए। देखिए और डाल दी थोड़ी सी किशमिश हमने, आप डालना चाहते तो डालें, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारे चुंदा रेडी है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा लगता है खाने में, तो ट्राई कर लेना आप लोग। और ये रेडी देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखिए, और खट्टा मीठा तीखा तीनों चारों टेस्ट आते हैं। इस तरीके से आप चटनी भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोग अच्छी लगी, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा देना, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी सेव भाजी के 5 प्रकार की ग्रेवी, येलो ग्रेवी, चौ मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, जाकर चेक कर लेना। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, तो इस तरीके से आप लोग बनाएं और खाएं और बताएं ज़रूर कैसी लगी आप लोगों के लिए। और अभी तो स्ट्रॉबेरी का सीजन है, तो ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू, धन्यवाद।